अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सूजी का जमा हुआ हलवा, जिसे टुकड़ी का हलवा भी कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सूजी, चीनी, घी और ये ड्राई फ्रूट्स, ये आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने नारियल लिया है, किशमिश, बादाम, पिस्ते। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैं सूजी के ले रही हूँ। ये मैंने मेजरमेंट कप लिया, आप कोई सा भी कप ले लीजिए अपने घर में। और ये 2 कप नाप लीजिए ये, और जो सूजी हम नापेंगे उसी से हम चीनी नापेंगे। 2 कप सूजी है तो 1 कप चीनी होगी, यानी आधी। ये सूजी, और अब मैं चीनी नाप रही हूँ, पूरा 1 कप होगा ये फुल भर के चीनी। इस तरह से लेवल कर लें, सही नाप बिल्कुल। और ये मीठा बिल्कुल ठीक रहता है इतना। और अब इसका मैं शीरा बनाऊंगी। चलिए रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। और ये घी, घी डलेगा इसमें 1/2 कप चीनी का, आधा घी डलेगा और प्लस 2 टेबलस्पून। ये सबसे पहले पैन में सूजी डाल दी, अब इसे भूनेंगे। इसमें और कोई चीज़ नहीं डलेगी, बस इसको ऐसी तरह से मैं भून लूँगी ये। और बहुत अच्छी मीडियम आंच पे इसे खूब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भूनना है। और जब ये भुनना, इसकी निशानी ये है कि जब ये भुनना भुनने पे आएगा तो बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगेगी। आराम से इसे भुने मीडियम फ्लेम पे। देखें गोल्डन भुन चुकी है। अब मैं इसे स्टील के तसले में निकाल रही हूँ। ये अब इसमें पतीली में मैं, ये फ्लेम मीडियम है। अब मैं इसमें घी डालूंगी, बस घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। अब चीनी डालेंगे इसमें हम, ये 1 कप चीनी। और ये अब इसमें शीरा बनाने के लिए 1/2 कप पानी, और इसको चला दें। बस इसका शीरा बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तार वाला शीरा नहीं बनाना है। अब इसे हल्की आंच पे छोड़ दें, खुद ही शीरा मेल्ट हो जाएगी ये। ये थाली पे मैंने पहले से और ग्रीस करके रख लिया है, और अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट नीचे भी डाल रही हूँ, ये अच्छे लगेंगे मुंह में। ज़्यादा जितना ड्राई फ्रूट आएगा उतना हलवा मज़ेदार लगेगा। ये ड्राई फ्रूट नीचे भी डाल दीजिए, चिकने हैं ये, आराम से हलवे पे नीचे लग जाएंगे। और ये चांदी के वर्क हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप लगाना चाहें तो इससे बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगेगा। ये मैं ऊपर लगाऊंगी हलवे के। और ये अब ये शीरा हमारा तैयार है, ये देखें बहुत ज़्यादा तार नहीं होना चाहिए, इसे चमचे से इस तरह उठा के देखें। और अब ये मैंने इसमें सूजी डाल दी भुनी हुई, अब इसको भूनना है, बस इसे बहुत अच्छी तरह भूनना है मीडियम फ्लेम पे। आराम आराम से चमचा चलाएं, इसमें भूनते रहें। और इसकी निशानी ये है कि इसमें जाल आना शुरू हो जाता है जब ये भुनेगा। और चमचा मुस्तकिल चलाना है, छोड़ना नहीं है। अब ये तकरीबन भुनने पे आ गया है, अब इसमें लेकिन इसे काफी देर भुनना पड़ता है, अभी इसको और भूनूंगी मैं थोड़ा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें हल्का हल्का सा इसमें जाल आना शुरू हुआ, ये इसकी निशानी है। अब ये बिल्कुल तकरीबन तैयार है,
एक दो चमचे इसमें और चलाने हैं, भूनने हैं अच्छी तरह। ये बिल्कुल डो की तरह सिमट जाएगा पतीली में एक तरफ। ये अब तकरीबन तैयार है, थोड़ा सा और भूनेंगे इसे और फिर मैं इसमें ये जो मैंने ड्राई फ्रूट लगा के रखे इसमें मैं निकाल लूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाह निकाला और बस अब ये देखें खुद ही ये आराम से सेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये इसको हल्के से थाली को मैं सेट करूंगी। ये इस तरह से चांदी के वर्क इस तरह लगाएं, ये पेपर इस तरह रखें और हटा लें। अगर हाथ आप लगाएंगे इस पे वर्क पे तो ये हाथ में चिपक जाएगा। इसको इस तरह रखें। अभी मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से पेपर लिया और ये पेपर इसके ऊपर इस तरह रख दें और अलग से पेपर को उठा लें ये इस तरह से। अब ये लगा लिया, अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये आपकी मर्जी है, जितने भी डालें, जितने ज्यादा डालना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस है। ये डालें ढेर सारे, बहुत अच्छे लगेंगे आराम से। ये बहुत गर्म है अभी, बहुत एहतियात से हाथ थाली पे नहीं लगे, गर्म है बहुत। और अब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसकी टुकड़ियां काटेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।